दोस्तों, टेक एडवाइस में आप लोगों का स्वागत है। आज का इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोगों को फॉलोअर्स, फेसबुक फॉलोअर्स कैसे मिले, वो भी ऑटो जनरेट। देखिए दोस्तों, यहां पे मेरा जो फेसबुक है, फेसबुक का जो है अकाउंट, उसमें से देखिए ये मुझे फॉलोअर्स 33 फॉलोअर्स मिला है मुझे फ्री में, ऑटो में। तो ये ऐसे करके आप कैसे, कौन सा टेक्नोलॉजी से आप लोग आपका फेसबुक पेज में आप लोग ऑटो आप फॉलोअर जनरेट कर सको। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो फेसबुक का है, फेसबुक का अकाउंट, तो उसमें से ये जो लिंक होता है, ये वाला, इस लिंक से आपको एक कोड जनरेट करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप अगर मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा बहुत सारा वीडियो आता है जो आप तक पहुंचे। तो एंड आप बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सा प्रोसेस है और क्या क्या करना पड़ेगा आपको ऑटो फॉलोअर्स जनरेट करने के लिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोगों को एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा, फर्स्ट फाइंड माई fbid.com में। देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया था कि अपना प्रोफाइल नेम का जो फेसबुक अकाउंट में, वो वाला यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और मैंने एक मुझे एक आईडी चाहिए होगा। ये आईडी मैं यहाँ पे से जनरेट कर रहा हूँ, फाइंड माय आईडी। तो मैं जैसे क्लिक मारा तो मेरा आईडी जनरेट हो गया। तो ये वाला आईडी बाद में लगेगा, मैं किस लिए जनरेट कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। अभी हम लोग जाएंगे एक वेबसाइट qlizzz.com में। यहाँ पे जैसे मैं आ गया, यहाँ पे आने के बाद आप लोग नीचे जाओगे, जब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ट्विटर ऑटो लाइकर फॉलोअर, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ऑटो फॉलोअर, फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑटो फॉलोअर, फेसबुक। तो मैं यहाँ पे ऑटो फॉलोअर फेसबुक में मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लॉग इन मेथड आ गया, ठीक है, ये ऑटो फॉलोअर्स का लॉग इन मेथड। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अभी, और यहाँ पे जनरेट एक्सेस टोकन, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अभी। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी देखिए मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप लोग आपका रियल फेसबुक अकाउंट का डिटेल्स मत दीजिए, आप एक फेक अकाउंट बनाइए और यहाँ पे डिटेल्स दीजिए, क्योंकि ये डिटेल्स उनके डेटाबेस में स्टोर होता है। तो मैंने भी एक फेक अकाउंट बनाया, जो मैं उसका डिटेल्स यहाँ पे भरूंगा। आप लोग एक फेक अकाउंट बना लीजिएगा फेसबुक में, फिर उसके बाद वो अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। मैं एक फेक अकाउंट का डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना जो फेक अकाउंट है उसका मैं डिटेल्स डाल रहा हूँ। मैंने डाल दिया यहाँ पे, ओके, मेरा डाल चुका है। तो उसके बाद, डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जेनरेट एक्सेस टोकन में यहाँ पे जाएंगे, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए एक कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये एक इस कोड को आपको ये बॉक्स के अंदर डालना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा कॉपी कर लिया ये, इसको सिलेक्ट करके करने के बाद यहाँ पे आप लोग कॉपी करके डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे लॉगिन में आप लोग क्लिक करिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद ये ऐसा वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंटर यूजर आईडी, ये जो आपने फेक फेसबुक आईडी डाला था उसका एक कोड जनरेट हो गया, ठीक है। तो मैं पहले मेरा जो ओरिजिनल वाला फेसबुक अकाउंट है, जिसको जिसपे मैं फॉलोअर चाहता हूँ, उसका आईडी मैंने जनरेट किया।
ये देखिए ये वाला मैं अभी मैं यहाँ पे दूंगा। तो आप लोग अभी समझ गए होंगे कि किस लिए मैंने पहले मेरा आईडी जनरेट किया, फिर उसके बाद मैंने उसको रखा। अभी होने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। तो अभी जैसे ये हो जाएगा, आप देखेंगे आपके अकाउंट में फॉलोअर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा भी यहाँ पे इसके करने के बाद ऑटोमेटिकली फॉलोअर आना चालू हो गया। आप यहां से आप लोग जितना चाहे फॉलोअर आप लोग कर सकते हो, मगर हाँ एक चीज है, यहाँ पे एक बार दबाने के बाद आप लोग देखेंगे कि कुछ मिनट के लिए ये स्टॉप रहता है। देखिए यहाँ पे मेरा फ्री फॉलोअर चालू हो गया एडेड, यहाँ पे अभी 33 मिनट के लिए मेरा रेस्ट है, मतलब उसके बाद मैं फिर सबमिट कर सकता हूँ। सो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो को देखने के लिए, और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर कमेंट।